गाइस, तो हम बना रहे हैं चॉकलेट सिरप, बहुत ज़्यादा यमी। तो हमारे यहाँ आइस नहीं है, तो दूध को हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में लगा देंगे, जब तक ये ठंडा हो जाता है तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस चलिए, दूध को हमने फ्रीज़र में लगा दिया, तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है मिक्सर का जार, तो हमें अलग से कोई भी शुगर इंक्लूड नहीं करनी इसमें। और हमने यहाँ पे ले लिया चॉकलेट सिरप, तो अब देख लेते हैं, दूध हमारा ठंडा हो गया है। तो गाइस आइए देख लेते हैं, जहाँ तक दूध हमारा ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है। तो गाइस आइए, हम मिक्सी के जार में दूध को डाल लेते हैं। हमें इसमें कोई भी शुगर नहीं है ऐड करना है, हम इसमें सिर्फ चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर होता है। तो इसमें ऐड कर लेते हैं चॉकलेट सिरप, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं चॉकलेट सिरप। आइए तो हम इसको अब चला लेते हैं। चलिए गाइस, हम मिक्सी को ऑन कर लेते हैं अभी। तो ये देखिए गाइस, हमने ग्लास में थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल लिया है, जिससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा और पीने में भी बहुत ज़्यादा यमी लगेगा। तो ये देखिए गाइस, हमारा चॉकलेट सिरप रेडी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप भी ऐसी रेसिपी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, ऐसे शेक अपने घर में ट्राई कर सकते हैं।